सो इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ रॉ एक्सेल की तीन सेटिंग्स जो कि काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। मैं पर्सनली तुम लोग को सारी चीजें बताऊंगा, डीपीआई, माउस की डीपीआई, कंप्यूटर की डीपीआई, सारा कुछ बताऊंगा जिसके जरिए तुम लोग रॉ एक्सेल का बहुत ज्यादा अच्छा यूज कर पाओगे। बेसिकली रॉ एक्सेल मैं काफी अर्से से यूज कर रहा हूँ, रॉ एक्सेल की वजह से जो काफी ज्यादा गेम इम्प्रूव हो जाता है मेरा, मतलब कि मुझे इसकी इतनी आदत लगी कि इसके बगैर मुझे गेम खेला नहीं जाता और इससे कोई भी आईडी बैन नहीं होती बिकॉज तुम्हारे माउस की एक्सेलेरेशन को कंट्रोल करता है। और जिनके पास जो माउस ऐसा है जिसकी डीपीआई कम है या वो गेमिंग माउस नहीं है तो रॉ एक्सेल उसके लिए परफेक्ट चीज है। तुम लोग जो अपने नॉर्मल माउस को भी गेमिंग माउस बना सकते हो, बट जो वीडियो का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है तुम लोग अपने जो नॉर्मल माउस को जो गेमिंग माउस बनाओ, बिकॉज ये तो नॉर्मल बात है रॉ एक्सेल की, ये तो बहुत इसका जो है फंडा बहुत कमाल की चीज है। बट मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इसकी तीन सेटिंग्स, जिसमें जो फर्स्ट सेटिंग जो शॉटगन की होगी, सेकंड जो है वो डेजर्ट की होगी, एंड थर्ड जो है वो MP5 या UMP जो भी तुम लोग SMG गन यूज करते हो उनकी होगी। राइफल वगैरह की सेटिंग्स जो है मैंने नहीं फाइंड की, जब मैं वो फाइंड करूंगा तो मैं वो भी बता दूंगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, मैं जो जो चीजें बताऊंगा वो अप्लाई करना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता तुम इस रॉ एक्सेल को जो ब्लू स्टैक में ट्राई करने वाले हो, गेम लूप में ट्राई करने वाले, एक्सीम्युलेटर में ट्राई करने वाले हो, बट जिसमें भी ट्राई करने वाले हो अपने जो एम्युलेटर की सेंसी का खुद को जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें खुद उसको जो सेट करना है। बाकी जो हम तुमको कंप्यूटर की सेंसी बताया तो मेरी जो मेरा माउस का डीपीआई, मेरे पास इस वक्त HP का माउस है और इसकी डीपीआई मैं रखता हूँ 1600 या 1200, इन दोनों के दरमियान तुम लोग दोनों ट्राई कर सकते हो, इससे ज्यादा भी ट्राई कर सकते हो। बट अगर जो तुम लोग नॉन गेमिंग माउस यूज करते हो तो तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं, बिकॉज नॉन गेमिंग माउस को भी गेमिंग माउस रॉ एक्सेल खुद ही कन्वर्ट कर देगा। अब सेटिंग तुम लोग को शो हो रही है, तुम लोग यहाँ पे 0.61 लिखा हुआ है, उसको तुम लोग 1 और 2 रख के देख सकते हो, जिसके जरिए तुम्हारी जो सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अगर तुम्हारा गेमिंग माउस नहीं है तो, वरना उसको ना छेड़ना क्योंकि वो गेमिंग माउस के लिए परफेक्ट सेंसी है। उसके बाद अब गेम की सेंसी बताता हूँ। शॉटगन अगर तुम लोग यूज कर रही है, मैं पहले भी बार बता चुका हूँ, शॉटगन के अंदर तुम्हें अपना रेड डॉट 0 रखना है। अगर तुम लोग डेजर्ट यूज कर रहे हो, डेजर्ट के अंदर अगर तुम लोग जो है DPI 800 रखते हो तो तुम लोग जो है रेड डॉट 85 या 95 रख सकते हो, और इसके जो अगर तुम लोग नीचे आते हो तो तुम लोग अपने जो DPI को बढ़ा सकते हो, यानी 1600 DPI रखते हो तो तुम अपने रेड डॉट को जो है 0 रखना। अब इसका फायदा क्या होगा ये मैं तुम लोग को बताता हूँ। अगर तुम लोग शॉर्ट में खेल रहे हो तो 0 के जरिए तुम लोग डेजर्ट की हेड मार सकते हो काफी इजीली, और अगर तुम लोग लॉन्ग में खेल रहे हो तो 95 के जरिए तुम लोग जो लॉन्ग में हेड मार सकते हो डेजर्ट के, ठीक है। इस चीज को प्रैक्टिस करना तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब SMG की बारी आ गई, सेम चीज मैं तुमको SMG में बताऊंगा और शॉर्ट गन में भी बताऊंगा ताकि तुम लोग इस चीज को समझ आए, दिमाग में तुम लोग पड़े, ठीक है। शॉर्ट गन की बात यह है कि शॉर्ट गन के अंदर हमें जो रेड डॉट 0 रखना होता है, बिकॉज जब हम शॉर्ट गन का फायर करते हैं तो ये सीना कि हम लोग जो बटन को क्लिक करते हैं तो फौरन से जो गोली नहीं चलती, शॉर्ट गन का एक लिटिल बिट सा डिले होता है। तुम लोग जो इनकी वेबसाइट पर जाकर फ्री फायर की देख सकते हो, इसमें जो उन्होंने सारी सेटिंग्स जो सारी जो एक्यूरेसी वगैरह सारा कुछ बताया, अगर तुम लोग इन सारों को समझ रहे हो तो तुम लोग बहुत अच्छे से जो गन्स का यूज कर सकते हो। बट अगर तुम लोग जो नहीं कर पाते या इन सारों को नहीं पढ़ पाते तो तुम लोग को मैं सिंपल फंडा बता रहा हूँ, तुम लोग जो शॉर्ट गन के अंदर जो रेड डॉट को 0 रख सकते हो, डेजर्ट के अंदर 95 एंड SMG लास्ट में बच जाता है। तो SMG के अंदर मैंने जो काफी ट्राई किया तो मुझे लॉन्ग के अंदर 95 वर्क अच्छा देता है और शॉर्ट में भी 95 ही अच्छा वर्क देता है। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है तुम कितना रखते हो। बाकी एक्सेलेरेशन की बात है तो यहाँ पे एक सेटिंग है कंप्यूटर के अंदर विंडोज के अंदर, जिसमें जो एस एंड एक्सेस के अंदर जाके माउस की जो एक सेटिंग है, इसके अंदर तुम लोग जो एक्सेलेरेशन को एक पॉइंट आगे रख सकते हो, ऊपर जो टॉप वाला सेम सेटिंग है यही देख लो तुमको समझ आ जाएगी। इस सेटिंग को अप्लाई करना अपने PC में, और अगर तुम लोग जो रेज फाइल जो अपने PC में अप्लाई करना चाहते हो, तुम लोगों को नहीं पता कि यार तुम्हारी जो सेंसी कौन सी बेटर है, इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सी रेज फाइल जो तुम्हारे लिए बेटर, 5 रेज फाइल जो मैंने एक वीडियो में प्रोवाइड की तुम लोगों को एंड पे शो हो रही है, इसको जो वीडियो को जाके देखो, अपनी जो रेज फाइल ढूंढो, इसमें से डाउनलोड करो और बेस्ट रेज फाइल अपने PC के लिए फाइंड कर लो ताकि तुम लोग जो बहुत अच्छे से प्ले कर सको। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन है तो राइट पे जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए वीडियो शो हो रही है वो भी रेज फाइल है, लेफ्ट पे जो सेंसी के लिए, तो तुम लोगों को ये दोनों वीडियोस देखनी चाहिए लाजमी। सो ये वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए वॉच करो वीडियोस यार। इतना सुकून।